आज भी आप सदन से एकदम बाहर निकल गए, कल भी आप ड्रेस कोड में नहीं थे, आपको बताया नहीं गया, ये आपकी अनदेखी हो रही है? देखिए, मैं किसी आरोप में नहीं लगना चाहता, हम लोग राजीव जी के फुट सोल्जर, हम लोग राजीव जी के फुट सोल्जर, और जैसा आदेश होगा पार्टी का मानते हैं। ये जरूर है कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा था लगातार, मैं चाहता तो कुछ बातें रखना चाहता था और उसको जो है मुझे नहीं बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं सदन का बहिर्गम करा। और मैंने जो अफसोस और दुख है इस बात का कि स्वतंत्रता प्रोग्राम के एक परिवार के व्यक्ति को इस तरीके से, मतलब बोलने का, मैं गांधी जी के बारे में बोलना चाहता था, बहुत सी चीज़ें बोलना चाहता था, मगर मुझे मौका नहीं मिला, क्या कारण था मैं नहीं जानता। क्या इस तरीके का आपके साथ हो रहा है? क्योंकि जब वो टिकट की बात आई थी, उसके बाद जब विधायक बने थे, मंत्री बनने के बाद लगातार आपके साथ एक वो हुआ जा रहा है कि आपको देखा नहीं जा रहा है, आपको जो मिलना चाहिए जैसा परिवार ने आपका शुरू से किया कांग्रेस के लिए, वो सब आपको मिल नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो तो अब देखा, ऐसा है कि ये तो किन कारणों से हो रहा है मैं नहीं बता सकता, मगर निश्चित रूप से जो है अभी तो मैं गांधी जी के बारे में बहुत सी बातें बोलना चाहता था विस्तार से, और समय करीब करीब ख़त्म हो गया, बार बार मैंने आग्रह भी करा, सभापति जी से बोला तो उसमें जो चीज़ों को ये सब बातें हुई, तो अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, क्या नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता।